किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की जरूरत होती है और इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशन जरूरी होता है, जिसमें मुख्य रूप से तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर किसी ग्रह पर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में मौजूद होते हैं तो उस ग्रह पर जीवन पनपने की संभावना सबसे अधिक होती है। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर पनप रहा जीवन हमारे पृथ्वी ग्रह पर मौजूद जीवन की तरह ही हो। हर ग्रह पर हालात बिल्कुल अलग होते हैं और ऐसे में वहां इवॉल्व होने वाले लाइफ फॉर्म्स को उस ग्रह के हालातों के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। ऐसे में हमारे आकाशगंगा में मौजूद लाखों हैबिटेबल प्लैनेट्स में से हर ग्रह बेहद ही खास होगा, जहां जीवन की एक अलग ही कहानी मौजूद होगी, जहां जीवन एक अलग ही रूप में पनपा होगा और इवॉल्व हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन हमसे काफी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग एलिमेंट से बने हुए होंगे और जीने के लिए हमसे काफी अलग संसाधनों पर निर्भर रहते होंगे।